जिसका नाम है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पंचायत। चलिए आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव फुलेरा में, जो कि है जिला फकौली डिस्ट्रिक्ट बलिया में। यहाँ आज पंचायत के प्रधान जी, उप प्रधान जी, सचिव जी, मंजू देवी जी जो कि एक्चुअल में प्रधान है ऑन रिकॉर्ड, और बाकी के सभी गांव वाले एकत्रित हुए हैं एक नई बनी सड़क का उद्घाटन करने, जो कि मेन रूप से गांव को जोड़ती है। यहाँ के गांव वाले लोग बहुत ही भोले भाले हैं, बिल्कुल हमारे आरसीपी कैंपस के लोगों की तरह। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पंचायत में। हेलो हेलो, 1 2 3 माइक चेक चेक, सबको आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो पीछे, यस। तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे गांव वासियों, मैं सचिव, इस गांव का सचिव हूँ, और यहाँ पर मेरा नाम है अभिजीत अभिषेक त्रिपाठी। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी प्रहलाद चा, मंजू देवी जी और बाकी सारे सदस्यों ने मिलकर विधायक फंड से पैसा निकालकर ये सड़क बनाई है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और ये सड़क बनाया गया है। तो सबको यहाँ पर बोलने का, ये सभी इकट्ठा इसलिए हो चुके हैं कि इसका आज उद्घाटन है। तो गांव वालों तालियां। प्रधान जी थोड़ा दो शब्द आप भी बोलिए, थोड़ा बताइएगा हमारे बारे में, थोड़ा बताइए, थोड़ा मंजू देवी के बारे में बताइए। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अरे तोहार भैंसिया नहीं मिल रहा है तो हमको कहे फोन किया? अरे प्रधान को फोन कर दिए, चल फोन कर बुढ़बक। देखियो तो प्रधान को फोन कर दिए है, तोहार उस दिन वो बकरी नहीं मिल रही थी इसलिए फोन किए थे तुम। अच्छा नमस्ते गांव वालों, कैसे हो? चाय नाश्ता किए कि नहीं? नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं किए, मुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही। चाय नाश्ता किए कि नहीं किए? थोड़ा थोड़ा किए है, बिस्कुट नहीं मिला होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि उप विधायक से पैसा निकालने में फंड के लिए हमारे और ये प्रहलाद दोनों के ही बाल झड़ गए हैं, लेकिन हमने ये फुलेरा गांव के लिए बहुत ही इट्ठो अच्छी सड़क बनाई है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद और काली काली सड़क बनाई है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले पंचायत इलेक्शन में हमको जी भर के वोट दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह फुलेरा की जो है सेवा कर सके। जय फुलेरा, जय फुलेरा। सचिव जी, मैं विनोद, विनोद पहचाना? विनोद, हमारे एक तो सवाल था, ये सड़क पे सफेद सफेद चूना काहे बोल दिए हैं? अरे विनोद जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना सफेद जो चूना लग रहा है, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और जो भी पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करे, और ये उनका राइट ऑफ वे होता है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल के कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये सड़क पे चूना नहीं पोत रहे, तुम्हारे मुंह पे चूना पोत रहे हैं। देख रहे रिंकी के पापा, ये आ गया भूषण बनराकस, हमारा दिमाग खराब करने, किसी दिन इसके मुंह पे लौकी दे मारेंगे हम। अरे तुम लौकी नहीं मारो, एक दिन कटहल ही मार देंगे इसके सर पर। अरे भूषण बनराकस, तुमको समझ में नहीं आवत है सचिव जी का कह रहे हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये हमारे प्यारे प्यारे भोले भाले गांव वासियों की सेफ्टी के लिए है। अरे बड़े आए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने वाले, का कीजिएगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का? लोगों के घरों में नलका लगवा दिए हैं, एक तो पानी का कनेक्शन नहीं चालू किए है, और यहाँ पे कभी दीवार पुता रहे हैं, कभी रोड पे पुता रहे हैं। अरे काहे का सेफ्टी भाई, कौन सा सेफ्टी? जाने दीजिए ना भूषण भाई, देखो ना कैसा मुंह लटक गया इनका। हम कौन सा इनका जीप पकड़ के झूल रहे हैं? देखो तुम ज्यादा चटका ही ना दिखाओ, नहीं तो एक कान के नीचे देंगे ना कंटा, तो जो सड़क पुता है ना उसके ऊपर तुम भी पुछ जाओगे। देख रहा है विनोद, सच कितना कड़वा होता है। हम तो एक तो सवाल पूछे कि भाई ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कोई खड़ा है और कोनो बुड़बक आ गया, उसका ब्रेकवे नहीं लगा तो काहे का सेफ्टी होगा? बताइए, लंपट समझे है का हमको?
देखिए भूषण जी, ऐसा है कि आपको मैं समझा कर बता देता हूँ। अगर कोई भी पैदल यात्री अगर सड़क पार करता है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करे। अगर कोई फोर व्हीलर या टू व्हीलर चला रहा है और उसको कोई दिखाई दिया कि जेब्रा क्रॉसिंग से कोई पार कर रहा है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुक जाए और उनको पहले जाने दे। समझ गए आप? मतलब विनोद, अभी हम गाड़ी से जाने वाले ये पैदल वालों के लिए रुकेंगे? पहले तो ये लोग सड़क नहीं बना रहे थे, देखो माइपा भी ऐसा लाए हैं, चल नहीं रहा है। फंड में हम कह रहे थे पहले तो ये लोग सड़क नहीं बना रहे थे, हम आत्मदाह का धमकी दिए तो फंड निकलवा के सड़क बनाए। अब ऐसा सड़क बनाए, इतना जेब्रा क्रॉसिंग है, हर 100 मीटर में रुकना पड़ेगा, इसे अच्छा ना ही बनाते, क्या जरूरत थी? एक बात बताइए। बोलिए। ये सड़क पर चलने वाले लोगों के जान की कोई कीमत नहीं होती है क्या? हर साल अपने देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना यानी कि रोड एक्सीडेंट के वजह से होती है, और उसमें भी जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा दूसरा है, दूसरा नंबर आता है। लेकिन मंजू देवी जी, पहला नंबर किसका है? मेरे चाचा का। ये देखे इन जैसे लोगों का। ये सरासर गलत हो रहा है, हम कह रहे हैं सबके सामने हमारा बेइज्जती हो रहा है, हम पुलिस केस करेंगे प्रधान जी मंजू देवी के खिलाफ। हाँ, अरे बुड़बक, सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो। अरे पहला नंबर तुम जैसे लोगों का, मतलब दुपहिया वाहन चलाने वालों का पहला नंबर है एक्सीडेंट में। तुम्हारे पास है ना एक मोटरसाइकिल? हमारे पास भी है, या विनोदवा के पास भी मोटरसाइकिल है, लेकिन लगता है इसके पास मोटरसाइकिल होगा, बट है इसके पास। तो पहला नंबर है मोटरसाइकिल चलाने वालों का, दुपहिया वाहन चलाने वालों का। समझ तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, बस खेनी घिसे जाओ और खाए जाओ। अरे हमको का लंपट समझे हैं, कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। देखिए भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन लोगों का ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके पैसा खाने का स्कीम है, घोटाला है पूरा का पूरा, बता रहे हैं हम, कुछ भी बोलते हैं। देखिए भूषण जी, आपके पास मोबाइल फोन है? अरे बढ़िया वाला, अभी हम ही तो रिंकी के पापा चलाए थे पीछे खड़े होके। अच्छा, तो उसमें इंटरनेट चलता है क्या? अरे 4G का बढ़िया इंटरनेट उसके घर में खड़े हैं भैया, इंटरनेट चलता है और क्या चलेगा यहाँ। तो वहाँ पर उसी मोबाइल में जाके गूगल पे सर्च कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट से 2021 का डेटा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कितने लोगों की जान कैसे किस तरह की सड़क हादसे में हो चुकी है। जो ये मंजू देवी जी बता रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है, तो एक बार जाके आप चेक कीजिए। अरे सची जी, कहाँ मजाक कर रहे हो, भूषण भाई पढ़े लिखे होते तो ऐसा बंदरा के कैसे काम करते क्या? एक बात बता रहे हैं हम, चाहे ये भूषण जी सड़क से चले या फिर ये जीब्रा क्रॉसिंग से चले, एक ना एक दिन सचिव जी अपने बाइक से इनको उड़ा देंगे, मैं बता रही हूँ। दीजिए आज तो वो सब तो ठीक है, बट हम जो कि इस गांव के क्या है जमाई राजा बोल गए थे, जो हम इस गांव के जमाई राजा हैं, हम पे ये नियम कानून ना लागू होते, हम वही हैं जो दहेज में चक्के वाली कुर्सी लेके गए थे, हम ना मानते इन नियम कानून को। देखिए जमाई राजा जी, ये जो आप दहेज में लेके गए थे ना चक्के वाली कुर्सी जो चर्चर करने वाली थी, वो चक्के वाली कुर्सी नहीं है, ये जेब्रा क्रॉसिंग के रूल्स है, एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। गजब बेइज्जती है यार, कोई गांव में अपने दामाद को बुला के इस तरह नियम कानून बताता है क्या? और ये अंग्रेजी में क्या बोले? हम तो गरीब आदमी, हम क्या कहें। पिछली बार भी कुछ इंसल्ट किए थे, कुछ अंग्रेजी के दो शब्द बोल के। पिताजी कहाँ है? हमारे पिताजी को बुलाइए। अरे ठहरिए, पिताजी को बुलाने की कोनो जरूरत नहीं है, ये तुमको वो ना बोले जो तुम पहली बार गांव में आए थे, वो ना कह रहे, उनका मतलब कुछ और है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ आप सब लोगों को, ई गांव में तोहार जैसे बहुत सारे ऐसे जमाई लोग हैं जो एक ठो दिन के लिए गांव में आते हैं। अरे इन ससुर के जैसा, देखो फिर से ऐसे मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं। अब बुड़बक आगे बढ़ो यहाँ से। अरे इन जैसे ही लोग हैं जो गांव में
ऐसे ही चलते रहते हैं, उनको कोनो पता नहीं चलता। हम कहाँ कहाँ कर थक चुके हैं कि रास्ता पार करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग पर से रास्ता पार करो, नहीं सुने। उसके हम बाद हम कह कह कर थक चुके हैं कि कोई अगर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहा है तो गाड़ी को तनिक धीमे कर दो और रोक दो, ये भी नहीं सुने। और अभी आप देखे ये कैसे मोबाइल फोन वहाँ पर चल रहे थे, वैसे ही एक दिन मैं वो लड़की कहाँ गई, वो लड़की जो हाथ में किताब लेके खड़ी है ना, उनको मैं देखा था, वो मेन रोड पे वहाँ पर रीलवा बना रही थी, रिंकिया के पापा। अरे इनको भी हम देखे, कितना ही दुर्घटनामय हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से हमने एक नियम और एक कानून बना दिए है, चाहे गाँव वाला हो चाहे जमाई राज हो, सबके लिए ये नियम कानून फिक्स है और ये लागू होंगे। जय फुलेरा। तो जमाई राजा और आप लोग भी समझे ना, ये तो ये नियम कानून पालन करने से, रूल्स को फॉलो करने से अगर एक आध एक्सीडेंट कम होता है, एक आदमी का भी जान बच जाता है, तो नियम कानून पालन करने में कोनो बुराई है क्या, बताइए। ठीक है, इतना नाक रगड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अभी तो पैर भी पड़ रहे हैं, तो मान जाते हैं, हम भी गाड़ी से ब्रेक लगा लेंगे। चलो बढ़िया है भाई, जमाई राजा तो मान गए, अब आप भूषण जी मान ही जाइए। लेकिन आप ई माइक पर आकर मानिए, वो माइक पर नहीं। देखिए हम चला दिए हैं, देख रहा है विनोद, नहीं देख रहा विनोद, देख रहा है। हाँ, एक गांव वालों को कैसे समझाया जाता है, उधर आ जाते हैं, भाई को कभी नहीं समझेगा। अब मान लेगा तुम्हारी बात प्रधान जी, सुनिए तो भाई लोग ध्यान से सुनना हम कहा कह रहे हैं। पैदल चलने वाले का पहला हक है जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना। गाड़ी अगर चला रहे हो तो कृपया करके जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रुकना, सड़क पार करते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करना, और आपके सभी साथियों को यह शिक्षा देना, सड़क सुरक्षा ही है जीवन रक्षा। बड़ा बोलो बे, सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा। लो खत्म हो गया बे, अभी तो ताली बजा दी, बढ़िया। जो चले थे उनको राम जी को जलपान कराइए, चलिए आपका जलपान का डब्बा ले लीजिए, धन्यवाद धन्यवाद, चलिए आपका अपना अपना जलपान का डब्बा लेके जाइए।